नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो बहनों हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लेके आते हैं। दोस्तों, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता। जी हाँ बहनों, के लिए बड़ी खबर है। आशा कार्यकर्ताओं की जो प्रोत्साहन राशि उसमें 750 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बहनों को मिला नए साल का बड़ा तोहफा। जी हां बहनों, को इस नए साल का यहां पर बड़ा तोहफा इसे मान सकते हो। बढ़ावा मानदेय भी आपका 1 जनवरी 2020 से आपका आना शुरू हो जाएगा। तो बहनों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, साथ में आज के मुख्य समाचार भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहनों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पर भी आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहे। साथ में बहनों, आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो भी जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों, देखते हैं सारी जानकारी। तो बहनों, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों पर बात करें तो मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 8 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर देगी धरना। पूरी जानकारी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, जिला कार्यालय पर बैठक के दौरान लिया गया निर्णय। इधर बात करें मैनपुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक शहर के मोहल्ला राजा का बाग स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष सरिता साके ने कहा कि 8 जनवरी 2020 को ट्रेड यूनियन के सुप्त आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल करने जा रही है। इस हड़ताल में देश भर के वर्कर्स जिनमें आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील कार्यकर्ता आदि शामिल है भाग लेंगे। हड़ताल कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से न्यूनतम मानदेय आपका 21,000 रुपये किए जाने और सेवानिवृत्ति पर कम से कम यहाँ पे आपको 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन आदि शामिल है। हड़ताल के दौरान कलेक्टर स्थित तिकोनियम पार्क में धरना प्रदर्शन के दौरान जुलूस निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उधर ऋचा दुबे, शुक्ला देवी, मंजू चौहान, सुषमा देवी, मीरा यादव, शशि किरण, वंदना यादव, अलका यादव, रिहाना, साहिन बेगम, अलका यादव, मंजू चौहान आदि लोग यहाँ पे मौजूद थे। उधर बड़ी खबर निकल के आई है, स्वास्थ्य योजनाओं को अमली जामा पहनाने में विशेष योग देने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। शिमला में आयोजित हुए पोषण अभियान पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी भी कुपोषण ने अपना जाल फैला रखा है, जिस पर बारीकी से काम करना आवश्यक है। देश की आने वाली पीढ़ी को हर दिशा में अगर अग्रणी बनाना है तो समाज के सभी वर्गों को पोषण अभियान के तहत लाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान राज्य से शुरू पोषण अभियान जनसाधारण को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश भर में भी पोषण अभियान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। समाज में अभी भी पोषण व कुपोषण में संतुलन नहीं बन पाया, इस दिशा में अभी और प्रयास करने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक पोषण अभियान 2018-19 के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व निदेशालय महिला व बाल विकास द्वारा शनिवार को राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही आबू धाबी में आज दिव्यांग ओलंपिक खेलों के विजेता रहे 7 खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। अभियान के तहत प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शिमला, सिरमौर व मंडी शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आंगनबाड़ी आशा आदि के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं व सदस्यों को प्रदेश भर में पोषण अभियान को क्रियान्वित करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पोषण अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए उपायुक्तों के सराहनीय योगदान के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पौष्टिक आहार की जानकारी देती एक पुस्तक का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। इस दौरान बल आश्रम डली के छात्रों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सीएम ने पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जानकारी ली।
उधर महिला एवं बाल विकास विभाग व महिला अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सोगनी एवं सातिनों की बैठक बुधवार को लाखोटिया उद्यान में संपन्न हुई। कर्मचारी संघ के संयोजक रामलाल चौहान ने बताया कि महिला कर्मियों का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य सुरक्षित। आज इन्हें न्यूनतम वेतन के बराबर भी मानदेय नहीं देकर आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर सभी महिला कर्मी सुबह 10:30 बजे लाखोटिया उद्यान में बैठक कर मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन व रैली आयोजन करने को लेकर चर्चा करेगी। उधर प्रदेश में आशा सोगनी व ग्राम सातिन कर्मचारी संघ के संयोजक अजमल खान व अध्यक्ष विदा देवी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश से मिला। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 से 7,500 रुपए, सहायिकाओं का 3,500 से 4,250 रुपए बढ़ाया गया, लेकिन आशा सोगनी व ग्राम सातिन को इस बजट में वंचित रखा गया। 15 सालों से अब जाकर आशा सोगनी का 2,500 रुपए व ग्राम सातिन का 3,300 रुपए मानदेय हुआ, जिसे बढ़ाकर श्रम एक्ट के अनुसार न्यूनतम वेजेज करने की मांग की गई है। उधर सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000, सहायिकाओं को 9,000 प्रतिमा न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को SBI कलेक्टोरेट शाखा मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश व केंद्र सरकार को जमकर कोसा और ऐलान किया कि 1975 से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता व सहायिका कार्य कर रहे जिन्हें वाजिब वेतन यहाँ पे मिलना चाहिए। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता एका ने कहा कि देश में 25 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। मूल काम के अलावा राज्य शासन द्वारा विभिन्न अभियानों में भी ड्यूटी लगाई जाती है और शासकीय कर्मचारियों की तरह अल्प मानदेय में पूरा काम लिया जाता है। अपने केंद्र का संचालन करने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन के अन्य कार्यों का भी संपादन करना पड़ता है। बावजूद मानदेय में वृद्धि नहीं की गई, वर्ष 2011 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर कार्यकर्ताओं का 3,000, मिनी कार्यकर्ताओं का 2,250 व सहायिकाओं का 1,500 रुपये किया गया था। 11 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी आशा बहनों से संवाद किया था और मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की थी। उधर 1 अक्टूबर 2018 से नवीन संशोधित मानदेय कार्यकर्ताओं को 4,500, मिनी कार्यकर्ताओं को 3,500 व सहायिकाओं को 2,200 भुगतान किया जा रहा है, जो न्यूनतम वेतन से काफ़ी दूर है। रीता एका ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व जब दिल्ली में देश के लाखों कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के समीप धरना प्रदर्शन किया और सभी जिला ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से भी सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई, किंतु आज तक समाधानकारक परिणाम सामने नहीं आए। ऐसी स्थिति में एक बार फिर कार्यकर्ताओं को आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। धरना को सरगुजा अध्यक्ष फुलासो एका, उपाध्यक्ष अंजू लखड़ा, करम खलको, परमिला रोजालिया कुजूर ने भी संबोधित किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी जिलाधीश के नाम प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी अपर प्रेषित किया गया। इधर हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आई है, 132 आशा सोगनी कार्मिकों को किया सम्मानित। पूरी बात करें तो जक्सन टाउन रोड स्थित ग्रीन वर्ल्ड होटल में रविवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 44 आंगनबाड़ी केंद्रों के 132 मानदेय कार्मिकों कार्यकर्ताओं आशा सोगनियों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही परियोजना कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं 7 परियोजनाओं को भी सम्मानित किया गया। उपनिदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी ने बताया कि कुपोषण को दूर करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। समुदाय में लोगों को पोषण के प्रति व्यवहार परिवर्तन करना होगा। योजना के लाभ के बारे में पात्र गर्भवती महिलाओं के परिवार में सास व पति को भी इसके बारे में बताना होगा, तभी समुदाय में जागरूकता आएगी। 1 जनवरी 2017 के बाद परिवार में जन्मे पहले बच्चे पर सरकार इस योजना के अंतर्गत महिला को 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि महिला के आधार कार्ड से जुड़े खातों में प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करती है। विदित रहे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2 से 8 दिसंबर प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह मनाया गया था। समापन दिवस को सम्मान समारोह के दिवस के रूप में भी यहाँ पर मनाया गया था। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी रावत सर रेणु बाला और सहायक प्रबंधक अरशद अली, सुरेश शर्मा, मदन सुकीजा, सुरेश शर्मा और नेहा के साथ में सुनील स्वामी, सुरेंद्र वर्मा, अर्पित माथुर, पवन गोदारा सहित सभी महिला सुपरवाइजर आदि यहाँ पे मौजूद थी।
तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बहनों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे भी आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता की हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में बहनों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो भी जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।